गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस द नाउस्ट इक्वेशन एंड द कंडक्टेंस ओके नाउ वी आर ऑन द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक है आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ठीक है हमें बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है ठीक है जिससे केमिकल रिएक्शन हो सके प्रोसीड हो सके है ना और ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है चाहे वो लेबोरेटरी में हो चाहे इंडस्ट्रियल या केमिकल इंडस्ट्रीज में ठीक है और जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें क्या होता है बेसिकली आपको पता है दो कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं जो क्या होता है उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या होती हैं स्ट्रिप डिप्ड होती हैं ठीक है अगर हम कोई डीसी वोल्टेज या डी जो है डायरेक्ट करंट वोल्टेज अगर अप्लाई करें दोनों इलेक्ट्रोड्स पे तो क्या होगा जो कॉपर आयंस होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड पे यानी नेगेटिवली चार्ज जो आपका इलेक्ट्रोड है ठीक है और ये रिएक्शंस होगी आप देख सकते हैं थ्री पॉइंट टू एट सी यू टू प्लस एक्व प्लस टू ई इज इक्वल टू सी यू सॉलिड ये इक्वेशन आपकी कैथोड पे यानी नेगेटिवली चार्ज होगी यहाँ पर कॉपर आयन क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया है ना जबकि कैथोड मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कॉपर आयन यहाँ डिस्चार्ज हो कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज पे है ना मीन्स कॉपर मेथल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड यानी कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका कॉपर मेथल डिपॉजिट हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा एनोड पे क्या होगा एनोड पे जो कॉपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में ठीक है और यहाँ पे ये यह रिएक्शन यानी कैथोड पे आप देख रहे हो ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी थ्री पॉइंट टू एट यहाँ पर जो आपका जो कॉपर आयन है वो डिस्चार्ज होगा और डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है नेगेटिवली चार्ज उस पर कैथोड पे ठीक है जो एनोड है आपका यानी जो पॉजिटिवली चार्ज है इस पर क्या होगा कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू सी यू टू प्लस आयस यहाँ पर क्या होगा कॉपर आपका कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन होगी सी यू एस गिव्स यू सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स है ना तो हमें यहाँ एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे यानी डिसॉल्व हो रहा है ठीक है दस द कॉपर इज डिसॉल्वड और ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड डिपॉजिटेड और रिड्यूस्ड एट कैथोड दिस इज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस यही बेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस का जिसमें क्या होता है कि जो इंप्योर कॉपर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें प्योर कॉपर में ठीक है एंड द इंप्योर कॉपर इज मेड एन एनोड यानी द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड द डिजोल्व ऑन पॉसिंग करंट और हम क्या इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाते हैं ठीक है जिससे क्या होता है जब हम करंट पास करते हैं तो वो डिजोल्व होता रहता है है ना और प्योर कॉपर क्या होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आप पढ़ भी चुके हैं उसको टेंथ में भी जहाँ हमने मेटलर्जी पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा और आपको पता है बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया अल्मोनियम हो गया हो गया ये सारे के सारे लार्ज स्केल पे जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा है ना और इसमें होता क्या है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन होता है उनके रिस्पेक्टिव कैटायंस का ठीक है और जहाँ पे कोई भी सूटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है इस परपज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते सिंपल हम जो क्या करते हैं यहाँ पे इन इसी इलेक्ट्रोकेमिकल के रिडक्शन का यूज़ करते हैं है ना सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया ये सब इलेक्ट्रोलिस के द्वारा उनके फ्यूज क्लोराइड्स एलमोनियम के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं है ना और जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड का भी हम इलेक्ट्रोलिस करते हैं क्रायोलाइट की प्रेजेंस में तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है ठीक है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में

फेरेडे पब्लिश हिज रिजर्ट ड्यूरिंग एटीन हंड्रेड थर्टी थ्री टू हंड्रेड थर्टी फोर ठीक है बहुत ज्यादा अपने इन्वेस्टिगेशन रिसर्च के बाद फेरेडे ने दो लॉस दिए इनको हम लोग बोलते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोल फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आइए देखते हैं द फर्स्ट लॉस इज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकरी इलेक्ट्रोड अगेन आई एम रिपीटिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकरी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाई करेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ्र इलेक्ट्रिसिटी पासड मतलब जो करेंट है समझ में आ रहा है यानी कितना केमिकल रिएक्शन जो हो रही है इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलिसिस के समय करंट के द्वारा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों फिर से बोल रहा हूँ द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट पहला लॉ ईजी है दूसरा कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट द सेम क्वानिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिक सोल्यूशन आर प्रपोर्सनल टू देयर केमिकल इक्विबलेंट वेट्स कह रहा है कि कि कितना जो डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टांसेज है उनका अमाउंट जो लिबरेट होता है ठीक है सेम करंट पास होने पे है ना इलेक्ट्रोटिक सॉल्यूशन में वो प्रोपोर्शनल होता है उनको केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के द्वारा केमिकल इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास किसी मेटल के एटॉमिक मास को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कटाइन तो उससे हम उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है ठीक है आइए थोड़ा सा और ब्रीफिंग है देखते हैं दोनों लॉस की इंपॉर्टेंट है दोनों लॉस कह रहे हैं देवर नो कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स है no उस जगह फेरेडे के समय में क्या था ना बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल नहीं था है ना उस समय जनरल प्रैक्टिस थी कि हम जो है वहाँ पे क्या कूलोमीटर का यूज करते थे कूलोमीटर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ठीक है जो क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है मेटल के थ्रू ठीक है वो सारी चीजें डिटरमाइन करता था ठीक है हाउवर अब जो है कूलोमीटर्स का यूज नहीं होता आप क्यों क्योंकि अब हमारे पास एक कॉन्स्टेंट करंट आई है सोर्स है अवेलेबल ठीक है और एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू जो पास हो रही है तो हम ये फॉर्मूला आपको पता है क्लास में भी पढ़ा था आपने है Q है चार्ज टाइम आपको पता भी है है ना क्यू इन कूलम्स आई कहा होगा एम्पियर में और टी किसमेंड यानी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओके डिपेंड्स ऑन द स्टोक्यूमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज रिक्वायर होगा ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन की स्टॉक्यूमेट्री कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो ए जी प्लस प्लस ई इज इक्वल टू ए जी सॉलिड अब यहाँ पे एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा रिडक्शन के लिए किसके एक मोल के सिल्वर आयन्स के लिए मीन्स वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ सिल्वर आयन

इट इज द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वट फेराडे और उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और अप्रोक्सीमेट कैल्कुलेशन वट वी यूज वी यूज वन फेराडे इज अप्रोक्सीमेटली नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कूल ऑम पॉमोल यूर गडिंग तो इसका हम जनरली यूज़ भी करेंगे ठीक है अप्रोक्सीमेट यही रखते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ठीक है थेके? अब देखते हैं फॉर फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हमारे पास है एम जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव यू एम जी सॉलिड ठीक है एलमोनियम थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें क्या है इसमें वन मोल ऑफ मैग्नीशियम एलमोनियम को कितना मोल चाहिए रिक्वायर इलेक्ट्रॉन इसमें फर्स्ट वाले में क्या है एम जी टू प्लस में कितने दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टू फेरेड है और एल्यूमियम वाले में थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी थ्री फेरेड है सो द द चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिक सेल ड्यूरिंग द इज इज कॉल्ड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन एम्पियर ये चीज आपको पता है है ना कि द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिक सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पियस ठीक है एंड टाइम इन सेकेंड यू नो दिस क्यू इज इक्वल टू आई टी एंड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ मेटल्स करेंट एज हाई एज फिफ्टी थाउजेंड एम पीयर एंड यूज़ दैट अमाउंट्स टू अबाउट जीरो पॉइंट फाइव वन एट एम पीयर पर सेकेंड्स ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्मूला बेस्ड है ठीक है सॉल्यूशन है सी यू एस ओ फोर का उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दें टेन मिनट्स के लिए करेंट इतना दिया हुआ है मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड पूछ रहा है कितना होगा So you know the T is given, charge is what current into time, current and time, both is given. You will find out the what charger, and according to the question you know, he has two electrons means two faraday the two into the C deposited to one mole is 63 gram, and you will find out the answer like this. So this is a very simple questions regarding this. Now the products of electrolysis. If electrolysis is kya products, simple simple hey, Deco, the products of electricity depend on the nature of material being electrolyzed. ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड हमने किस टाइप के लिए है ना अगर इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट है जैसे प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया तो ये केमिकल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे है ना तो ये किसके तो किस कैसे यूज़ होंगे दे एक्स ओनली एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स दैट्स इट ठीक है जबकि अगर दूसरी जगह अगर देखें तो अगर इलेक्ट्रोड आपका रिएक्टिव है है ना तो वो ज़ाहिर सी बात है कि आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा है ना तो ये डिपेंड करता है कि भैया कैसा होगा प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का ये डिपेंड करेगा डिफरेंट अलग अलग उसके लिए कि भैया आपका रिएक्टिव है इलेक्ट्रोड इन या इनर्ट है इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड करता है ठीक है ना द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल यानी इन दो चीज़ों पर भी डिपेंड करता है ठीक है हालांकि कुछ आपके इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं वो फिजिबल होती हैं ना आ इतनी स्लो होते हैं ठीक है थेके? कि देट एट लोअर वे वोल्टेज वो क्या करती हैं वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो परफॉर्म हो रही हैं प्रोसीड कर रही हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल जो है अप्लाई करना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल है इस टाइप के प्रोसेस को क्या करना अक्र करना जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अगर हम एक मोल्टेन एन यूज़ करते हैं इफ़ यू यूज द मोल्टेन एनएसएल तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलिस वो क्या होगा सोडियम मेटल और क्लोरिन गैस है ना हेयर वी हैव ओनली वन कैटाइन सोडियम प्लस विच इज रिड्यूसड हो जाएगा कैथोड पे इस तरीके से रिएक्शन के साथ और दूसरा क्या होगा एक एनआन होगा सी माइनस जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कैथोड पे इस तरीके से नाउ अब देखो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर लेकिन हम रियल में क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिस होती है सोडियम क्लोराइड uh, की तो उसमें प्रोडक्ट क्या क्या होता है एन होता है सी होता है एच भी होता है यस yes. है ना तो यहां को यह देखने को मिल रहा है कि सोडियम प्लस और सी माइनस के अलावा हमको एच प्लस और ओ एच माइनस आयस भी हैं है ना तो अब क्या होगा तो ऑब्वियसली कैथोड पे क्या होगा कंपटीशन होगा कि कौन सा भैया क्या कौन सी रिडक्शन होगी देखते हैं कैसे ये परफॉर्म होती है इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, जाना। देखो, अब ये है plus plus na. इसका देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस टू पॉइंट सेवन वन वोल्ट है दूसरी जो होगी एच प्लस प्लस ई गिवस हाफ एच टू गैस इज फॉर्म इसकी जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोट जीरो पॉइंट जीरो जीरो वोल्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो रिएक्शन जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वो प्रेफर की जाएगी है ना तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रोलिस के नीचे वाली यानी H वाली हाइड्रोजन वाली समझ में आ रहा है मींस H+ plus plus e 1/2 H2 बट आपको पता है जो H+ plus है है ना ये प्रोड्यूस होगा कब जब डिसोसिएशन होगा, H2 होगा? Like this, H2O का मींस लाइक दिस द H2O डिसोसिएट H+ एंड OH- minus. तो जो नेट रिएक्शन होगी कैथोड पे उसको हम कैसे लिखेंगे इट इज रिटन ए द सम ऑफ 3.33 एंड 3. .33

तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि सी एल माइनस गिवस यू हाफ सी एल टू प्लस इलेक्ट्रो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पर वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट है ठीक है दूसरा है आपका टू एस टू वो लिक्विड गिवस ओ टू प्लस फोर एच प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पर वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे वो रिएक्शन प्रेफर्ड की जाएगी जहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कम होगी है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो द वॉटर शुड गेट ऑक्सीसाइज इन ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सी एल माइनस है ना हालांकि हमको पता है कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन है ना 3.36 वाली रिएक्शन ही क्या हो जाएगी आपकी प्रेफर की जाएगी दस नेट रिएक्शन मे बी समराइज एज तो पूरी नेट रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं एन एस सी एल एक्वि एस टू ओ की प्रेजेंस में एन ए प्लस सी एल माइनस कैथोड पर आपकी क्या रिएक्शन होगी एस टू ओ E OH minus, और पे हो गया आपके सी एल माइनस इज जनरली होना क्या था कि जो लोअर वैल्यू वाली है उसी को प्रेफर करना था लेकिन ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या हम बेसिकली ज्यादा वो पोटेंशियल दे करके ऊपर वाली उस रिएक्शन को जो है प्रोसीड करा रहे हैं तो यहाँ पे आपके नेट रिएक्शन हो जाएगा एन एस एल प्लस प्लस, OH minus, प्लस हाफ एस टू प्लस सी एल टू तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दिट इज रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना विच इज गिवन बाई वॉट इक्वेशन है ना टू टेक इन टू अकाउंट द कंसनट्रेशन इफेक्ट्स तो बच्चों ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये फॉलोइंग रिएक्शन हो सकते हैं जैसे आप देख सकते हो एस टू प्लस एस टू फोर एच प्लस फोर इलेक्ट्रॉन इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख सकते हैं फिर एसो एस ओ फोर टू माइनस गिव एस टू ओ एट टू माइनस एक्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वन पॉइंट नाइन वोट दिया हुआ तो फॉर डायल्यूट सल्फ्य एसडो रिए पॉइंट थ्री एट होगी उसको प्रेफर करेंगे बट एट हायर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज रिए तो ये सारी चीज़ें हैं हमने देखा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बच्चों छोटा सा छोटा सा टॉपिक है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिस्टिस क्या होती है ठीक है और इलेक्ट्रोटिक electro, प्रोसेस uh, क्या होते हैं कैसे क्या किसका एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ इनका यूज होता है तो ये बेसिकली हमने देखा ठीक है ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो बैटरीज हैं हमने बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं फ्यूल सेल्स क्या होते हैं ठीक है ठेके? फ्यूल क्या होता है ये देख सकते हो पूरा इनका कंस्ट्रक्शन तो ये लास्ट टॉपिक है ठीक है जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा एंड अप हो जाएगा ठीक है इंटेक्स क्वेश्चन है इनको आप लगा लीजिए इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड जो हम पढ़ चुके हैं एन के भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप धीरे धीरे लगाते रहिए ठीक है तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर